नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 12th ट्यूटोरियल के 6th पार्ट में। दोस्तों, अब तक आपने वायरसेस के बारे में जाना, वायरसेस क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं विक्टिम्स के पीसी को, वॉर्म्स के बारे में जाना, वॉर्म्स वायरस इनके डिफरेंसेस को जाना। आइए अब समझते हैं कि एक्चुअली ट्रोजन्स क्या होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप पर इनकी डेफिनेशंस के बारे में कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ मेलवेयर इज टू इंस्टॉल अदर एप्लीकेशन ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर सो इट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर से एक्सेस करने या उसे कंट्रोल करने के लिए ट्रोजन्स का यूज़ किया जाता है। जब कोई अटैकर किसी विक्टिम को अपने कंप्यूटर से एक्सेस करने की कोशिश करता है या उसे एक्सेस करता है तो ट्रोजन्स के थ्रू करता है। ट्रोजन्स को बनाने के पीछे या उसके क्रिएशन के पीछे एक मेन रीज़न है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रोजन्स आर द मेलिशियस प्रोग्राम दैट परफॉर्म एक्शन दैट हैव नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द यूज़र। इस तरीके के एक्शंस को परफॉर्म करना जो कोई भी यूज़र ऑथराइज नहीं करता है, मेलिशियस प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं जिन्हें हम ट्रोजन्स कहते हैं। ट्रोजन्स क्या किन किन एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं? अगर कोई अटैकर किसी विक्टिम के पीसीस को इन्फेक्ट करता है ट्रोजन से, तो अटैकर उस विक्टिम के पीसी में क्या क्या कर सकता है, इस किन किन एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। डेटा को डिलीट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कॉपी कर सकता है, परफॉर्मेंस में फ़र्क ला सकता है, डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है पूरे पीसी को। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, जब वॉर हुई थी ग्रीक और ट्रॉय के बीच में, तो ग्रीक 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 के जो सैनिक थे उन लोगों ने एक हॉर्स क्रिएट किया था और वो हॉर्स इतना बड़ा था कि उसमें सारे ग्रीक के जितने सैनिक थे उन्हें उस हॉर्स के अंदर छुपा दिया गया था और ट्रॉय का जो गेट था उसके गेट के सामने रख दिया गया था। ट्रॉय के जो भी राजा और सैनिक वगैरह थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद ग्रीक वाले हार मान चुके हैं और उन्हें संधि के लिए हॉर्स को भेजा हुआ है, तो उन्होंने इसे अपने गेट के अंदर ले लिया। जब रात हुई तो रात होने के बाद सारे जितने ग्रीक के जितने सैनिक थे वो इस हॉर्स में से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस कंप्लीट ट्रॉय को कवर कर लिया जब सारे सैनिक सोए हुए थे और इसी तरीके से उन्होंने ये वॉर जीती हुई थी। तो इसी एक बेस पर ट्रोजन्स को ट्रोजन नाम दिया गया, क्योंकि ट्रोजन जब आपके कंप्यूटर्स तक पहुंचते हैं तो किसी बहुत अच्छी फाइल के थ्रू पहुंचते हैं, जैसे कोई MP3 फाइल हो या कोई वीडियो फाइल हो जिसे आप भरोसे के साथ अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं, चलाते हैं। कोई वीडियो फाइल होती है और जब आप उसे चलाते हैं, रन करते हैं, तो वो फाइल आपकी डेस्कटॉप पर दिखाई देती है पर उसके बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर में ट्रोजन्स वगैरह रन कर जाते हैं और ट्रोजन्स के थ्रू आपके पीसी को अटैकर रिमोटली एक्सेस कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। ट्रोजन्स को क्रिएट करने के पीछे पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। आपके कंप्यूटर को क्रैश करना, डेटा को करप्ट करना, फॉर्मेट कर देना कंप्यूटर के सारे कंटेंट्स को, डिनाइल ऑफ सर्विस या डोस अटैक वगैरह के लिए आपके कंप्यूटर का यूज़ करना, इलेक्ट्रॉनिक मनी को चुराना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करना, पासवर्ड और पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालना, डेटा को मॉडिफाई या डिलीट करना सारी फाइल्स को, क्या इंस्टॉल किया जा रहा है, क्या इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है इस बारे में नज़र रखना, या कोई थर्ड पार्टी मेलवेयर वगैरह इंस्टॉल करना, कीस्ट्रोक से आप जो भी कीबोर्ड से आप जो भी टाइप कर रहे हैं ईमेल आईडी पासवर्ड्स वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन को रखना, आपके कंप्यूटर पर क्या चल रहा है, क्या आप क्या देख रहे हैं, पूरी स्क्रीन को वॉच करना, आपके वेबकैम पर नज़र रखना, आपके सिस्टम्स को रिमोटली एक्सेस करना, रजिस्ट्री को मॉडिफाई करना और भी बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ जो शायद आपकी सोच से भी परे हैं ट्रोजन द्वारा किया जा सकता है।
ट्रोजन अटैक अगर आपके पीसीज में होता है तो उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, आपको आप किस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि आपके आपका जो पीसी है, आपका ये जो कंप्यूटर है, वो ट्रोजन से इन्फेक्टेड है। तो जब कुछ इन एक्टिविटीज़ में से कोई ऐसी कोई एक्टिविटी आपके कंप्यूटर पर हो तो समझ जाइए कि आपका पीसी जो है ट्रोजन से इन्फेक्टेड है। जब आप कभी ब्राउज़र के लिए कोई पर्टिकुलर वेबसाइट टाइप करें और किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, आपका एंटीवायरस डिसेबल हो, बार बार कोई फंक्शंस आपके कंप्यूटर पर कि मैसेज चैट वगैरह अपेयर हो विक्टिम्स के सिस्टम्स पर, जब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से भी आपने इंटरनेट से कनेक्शंस लिया हुआ है आपको कंप्लेंट करे कि आपके कंप्यूटर से स्कैनिंग की जा रही है आईपी एड्रेसेस की, जब आपका कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो, आपका जो टास्क मैनेजर है एल्टर कंट्रोल डेल की वो काम करना बंद कर दे, प्रिंटर अपने आप प्रिंट आउट निकाले, आपका सी ड्राइव अपने आप खोल रहा हो या बंद हो रहा हो, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन उल्टी हो जाए, आपके डेस्कटॉप पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बननी शुरू हो जाएँ, तो समझ लीजिए आप ट्रोजन से इन्फेक्ट हो चुके हैं। कुछ ट्रोजोन्स इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपको इंटरनेट पर बड़ी आसानी से अवेलेबल होंगे, कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपके सिस्टम की रूट डायरेक्टरी को सिस्टम 32 आप यहाँ देख सकते हैं, सिस्टम रूट विंडोज़ और सिस्टम 32 की ड्राइव में .dll एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाते हैं। .dll एक्सटेंशन एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रोजन इंटेलिजेंटली क्रिएट अ ह्यूज फाइल इन द विंडोज सिस्टम 32 विथ .dll एक्सटेंशन। .dll एक्सटेंशन एक्चुअली जो भी आपका डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर होता है वो उसे रीड नहीं करता, उसे अपनी आपकी हार्ड डिस्क से हटाता नहीं है, इसी वजह से आपके उससे जब जो आपका क्लीनअप सॉफ्टवेयर जब उसे हटा ही नहीं पाता है तो आपके कंप्यूटर में एज इट इज़ बने रहते हैं, और आपके पास फिर इस आपके पीसी को फॉर्मेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। दोस्तों, ट्रोजन्स को और समझने के लिए और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम आगे के ट्यूटोरियल्स में ट्रोजन्स को और अच्छे से समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। ट्रोजन्स को अगर आप उनके नोट्स को उनके डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो हैकिंग किट का यूज़ कर सकते हैं, हैकिंग किट का ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए आप milindhirkhan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन इंडिया।